कई लड़कियां कहती हैं हमारा पति से तलाक चल रहा है, तलाक चल रहा है। कितने साल हो गए? बोले 8-10 साल हो गए हैं। कोई कहती 5 साल हो गए, कोई 3 साल हो गए। मैं उसी समय मन में समझ लेता हूं, कहता तो नहीं हूं, अरे ठीक है कोई ना कोई आप जो भी गलती है, पता नहीं किसकी, मुझे तो पता नहीं, पर मैं मन में समझ लेता हूं इनका सुर जरूर ऊपर रहा होगा जिसके कारण से ये मुश्किल खड़ी हो गई। अपने सुर को नीचा रखिए। कैसे रखेंगे आप? मीठी वाणी बोलिए, ये नीचा सुर है महाराज। आप थोड़े उलझ रहे होंगे यार, सुर कैसे, सारे गामा पादा नहीं, क्या समझ में नहीं आ रहा। अब आप मोटे उसमें ले लीजिए, मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और अन्य को शीतल करे, आप शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण रंध्र उर संचरे, जारे सकल शरीर। आप देख लीजिए, अपने जीवन पे विचार कर लीजिए, आपके आस पड़ोस पे कर लीजिए, जिनको आप जानते हैं उनके जीवन पे कर लीजिए। मैं सबकी तरफ से ही बोल रहा हूं, हमारे सबके जिंदगी में पारिवारिक कठिनाइयों का कारण मात्र एक है, हमारा सुर ऊपर रहता है बस। आज 7 बजे के बाद जब घर जाओ तो सुर चेंज करके जाना। घर जाओ मतलब इसके बाद आप यहां भी हैं तो व्यवहार में तो हैं, परिवार में तो हैं, कुछ लोगों के बीच में तो आप हैं ही, आप अपने सुर को चेंज कर लीजिए महाराज। फिर आप देखिए कैसा परिवर्तन होता है लोगों की तरफ से, फिर आप देखिए कैसा सपोर्ट आपको मिलता है लोगों का, फिर आप देखिए लोग कैसे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने को तैयार होते हैं, फिर आप देखिए लोग आपके लिए कैसे जी जान देने को तैयार होते हैं। ये ही लोग हैं जिनसे आपको लगता है कि ये मेरी जान लेना चाहता है, उन्हीं से आपको लगने लग जाएगा कि ये मेरे लिए जान देना चाहता है। अपना सुर नीचे कर लीजिए बस। हम लोग क्या कर, वो तो ऊंची आवाज बोलते तो मैं नीची क्यों बोलूं, मैं कोई छोटे बाप की लड़की हूं क्या? बस यही बात बिगड़े तो बड़े बाप की बनोगी तो मुश्किल पड़ेगी महाराज, थोड़ी देर छोटे बाप की। अरे जब तुम पति के सामने खड़ी तो बाप की काय को बन रही, पति की बनो ना यार, वहां बाप को क्यों लेके आए? सती जी के साथ यही तो प्रॉब्लम आ गई थी। शंकर भगवान ने कहा, सती मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूं ये भगवान है राम, ये राम भगवान है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा, ये भगवान है मैं जिनको प्रणाम कर रहा हूं, तुम भी कर लो लगे हाथ। ये चांस ऐसे ही नहीं मिल गया है सती, अभी कथा सुन के आए हैं, कथा का फल ये मिल रहा है कि हमें दर्शन हो रहे हैं। आपकी हमारी आंखें भगवत दर्शन के नजदीक पहुंच रही हो, अगर कहीं ना कहीं आपके मन में विचारों में आपके ऐसी फीलिंग आ रही हो कि हमें कुछ कुछ भगवान का एहसास तो होता है, लगता तो है कि भगवान है, उसकी कुछ अनुभूति कुछ एहसास ऐसा लगता तो है कि वो है, कहीं ना कहीं उसके स्पंदन से उसके वाइब्रेशन से उसकी तरंगों से कहीं ना कहीं हमारा एक क्षण के लिए ही सही जुड़ाव तो होता है। अगर ऐसा आपको लगने लग जाए तो आप ये मान लेना कि आपकी आपके धर्म कर्म का, आपकी पवित्रता का, आपके भक्ति भजन का, आपके तीर्थ व्रत का, आपके दान धर्म का, आपके कथा कीर्तन का, आपके तप योग का ये फल आपको मिल रहा है। अगर भगवान की अनुभूति किसी तरह से आपके हृदय में आपको हो रही है तो आप मानना कि उसका फल आपको मिल रहा है। तो फल फल लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? बोतल नहीं लेना चाहिए पर फल तो, बोतल नहीं लेना, फल तो लेना है। जैसे देवराज द्विज और चंचुला विंदु
इनको जब भगवान शिव का मिलन हुआ तो शिव पुराण सुन के गए थे, उनको लग गया कि मुझे श्रवण का फल मिल गया है और इस फल में ही जीवन सफल। सफल में फल है कि नहीं है? सफल सा हटाओ तो फल सफल। इस फल की प्राप्ति में ही जीवन सफल है। इसीलिए ये लोग क्या कह रहे थे शिव के यहां पहुंचने के बाद, ओ मैं तो भोला के द्वारे पे आ गयो रे, ओ मैं तो शंकर के द्वारे पे आ गयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो 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 रे। मैं तो भोला के द्वार, मैं तो शंकर के द्वार, मैं तो शंभू के द्वारे पे आए गयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो रे, आ सफल भयो जीवन सफल भयो रे। नित उठ दर्शन करने जाओ, नित उठ दर्शन करने जाओ, शिव चरणों में शीश झुकाओ, शिव चरणों में झुकाओ, मेरो जीवरो तो आनंद मगनो भयो रे, मेरो जीवरो तो आनंद भयो रे, ओ मेरो जीवरो तो आनंद मगनो भयो रे, मेरो जीवरो तो आनंद मगन भयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो, सफल भयो जीवन सफल भयो रे। भोला के द्वार में तो शंकर के द्वार में तो शंभू के द्वार पे आए गयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो रे। आरती स्तुति कीरति गाओ, आरती स्तुति कीरति गाओ, सुंदर शिव का ज्ञान लगाओ, सुंदर शिव का ध्यान लगाओ, शिव करुणा के जल में नहाय गयो रे, शिव करुणा के जल में नहाय गयो रे, ओ शिव करुणा के जल में नहाय गयो रे, शिव करुणा के जल में नहाय गयो रे, सफल भयो जीवन सफल भयो, सफल भयो जीवन सफल भयो रे। शंकर भगवान की शिव 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 मन में गाओ, शिव 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 मन में गाओ, रंगी भोला को मन में
भयो जीवन सफल भयो रे सफल भयो जीवन सफल भयो रे सफल भयो जीवन सफल भयो रे मैं तो भोला के द्वार में तो शंकर के द्वार में तो शंभु के द्वार पे आए गयो रे भोला के द्वार में तो शंकर के द्वार में तो शंभु के द्वार पे आए गयो रे सफल भयो जीवन सफल भयो 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 सफल भयो जीवन सफल भयो सफल भयो भोला के द्वार में तो शंकर के द्वार में तो शंभु के द्वार पे आए गए सफल भयो जीवन सफल भयो सफल भयो जीवन सफल भयो